कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका प्रथम भाग इस तरह से है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो है ये ग्राफ की हमें लाइन दे रखी है, ठीक है, और px के शून्य ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। ये है हमारा x अक्ष और ये जो ऊपर हमें दिया गया है ये है हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन सीधी आप देख पा रहे हैं ये हमारा ग्राफ है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये इस रेड लाइन यानी एक्स अक्ष को तो टच कर ही नहीं रहा, तो दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसलिए जितनी बार ये एक्स अक्ष को टच करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। अभी टच नहीं कर रहा इसका मतलब शून्यकों की संख्या जीरो है। दूसरा भाग आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है और ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा, देख रहे हैं ना आप, सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अगले ग्राफ में बच्चों आप खुद से देखिए, ये ग्राफ जा रहा है और ये एक यहां और एक यहां और एक यहां, ये तीन जगह पर x अक्ष को टच कर रहा है, आपके सामने है, ये तीन जगह पर x अक्ष को टच कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, तीन होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जितनी बार ये x अक्ष को टच करेगा उतनी पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। चौथे भाग में देखिए, अब अपने आप से सोचिए कि ये जो ग्राफ है ये उल्टे u के जैसा, ये कितनी बार x अक्ष को टच कर रहा है, अगर आपने दो सोचा है तो हाँ बिल्कुल सही है, देखिए दो बिंदु दो जगह पर ये x अक्ष को टच कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी दो। याद रखना बच्चों, पी एक्स के x अक्ष को टच कर रहा है तो पी एक्स के। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, अपने आप से सोच के देखिए कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, मैं आपको समय दे रहा हूं सोचने के लिए, तो अगर आपने सोच लिया तो देखो चार जगह पर, ये चार जगह पर x अक्ष को, x वाली लाइन को, x x डैश लाइन को टच कर रहा है चार जगह, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी चार। छठे भाग में देखिए, ध्यान से देखेंगे कि ये x अक्ष को कितनी बार ये ग्राफ टच कर रहा है, ये देखिए तीन जगह पर ये x अक्ष को टच कर रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहां पर हो जाएगी तीन। अगर इसी प्रकार से बच्चों यदि हमें पी वाई के शून्यकों की संख्या देखनी हो तो उसके लिए हम देखेंगे कोई ग्राफ y अक्ष को कितनी बार टच करता है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही देखना था कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसलिए हमने सभी भागों में यह देखा कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया हो तो इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इसे अच्छे से देख सकें और समझ सकें। धन्यवाद।